देखो, क्रॉस प्रोडक्ट जो हम अभी सीखने वाले हैं वो एक्चुअली में किस टॉपिक का हिस्सा है? तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, ठीक है? वेक्टर मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, इसमें डॉट प्रोडक्ट हमने सीख लिया है। डॉट प्रोडक्ट के बाद वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का जो सेकेंड पार्ट है, हाफ पार्ट, वो है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस या फिर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर सीखते हैं, ठीक है? देखो, पहली लाइन मैं एक लिखता हूं, उसके बाद दो तीन क्वेश्चन दूंगा, ठीक है? उसका आंसर करना होगा। मान लिया ए एंड बी, बी टू वेक्टर्स, ए एंड बी टू वेक्टर्स है, देन ए क्रॉस बी की जो वैल्यू होती है, ए क्रॉस बी की जो वैल्यू होती है वो होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। इन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो थीटा इनटू एन कैप, वेयर एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। एन कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है, ओके? और ये ए और बी दोनों वेक्टर का जो भी डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर होगा। जैसे मान लो ए वेक्टर अगर हमारा ये है, वेक्टर ए, वेक्टर बी मान लो ये है, तो एन कैप जो होगा वो बोर्ड के प्लेन से या तो बाहर होगा या फिर बोर्ड के प्लेन के अंदर होगा, तो ये हो सकता है हमारा एन कैप, या फिर इसके अंदर भी हो सकता है। बोर्ड के प्लेन के बाहर या बोर्ड के प्लेन के अंदर होगा एन कैप। ये सब एन कैप का एक्चुअल डायरेक्शन थीटा की वैल्यू पे डिपेंड करता है, जिसकी हमें कुछ बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिजिक्स में तुमने अच्छे से पढ़ा है राइट हैंड स्क्रू लॉ और वो क्या क्या, मैथ्स में बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। स्क्रू हालांकि रूल हाँ, हालांकि एनसीईआरटी में दिया है, तो फिजिक्स में हमने 11th में उसको पढ़ लिया है, ओके? तो वो सब चीजें यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। देखो क्या करना है हमें, ए क्रॉस बी बस निकालने आना चाहिए, ओके? इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है इसी टॉपिक का, द रिजल्टेंट ऑफ ए क्रॉस बी, द रिजल्टेंट ऑफ ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है? ये हमेशा वेक्टर क्वांटिटी है। ए डॉट बी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। इसी वजह से ए क्रॉस बी को यहां पे देखो वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है और ए डॉट बी को स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है, ठीक है? अब चलो इन क्वेश्चंस का आंसर करना है। इसका आरएचएस क्या होगा बता सकते हो? सोच के समझ के, ट्विस्ट है इसमें। सर अगर हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ए डॉट बी तो स्केलर आ जाएगा हमारे पास, क्या लिखे हैं यहां पे? और स्केलर का क्रॉस करेंगे सी के साथ तो बताओ क्या लिखूं यहां पे? क्या लग रहा है अंजलि?
ये होता है मीनिंगलेस, इसका कोई मीनिंग नहीं है। क्यों मीनिंग नहीं है? देखो ए डॉट बी क्या होता है, ये तो स्केलर होगा, स्केलर का वेक्टर के साथ क्रॉस नहीं बना सकते, दो वेक्टर्स का ही क्रॉस होता है, दो वेक्टर्स का ही डॉट होता है, ठीक है, दो वेक्टर्स के बीच में ही डॉट और क्रॉस ये दोनों काम करते हैं। स्केलर का सीधा मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉलो करता है। जैसे लैम्डा है, मान लो वेक्टर ए को मल्टीप्लाई कर रहा है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, बट लैम्डा अगर क्रॉस करे ए के साथ ये मीनिंगलेस है, लैम्डा अगर डॉट करे वेक्टर ए के साथ, लैम्डा पे वेक्टर क्यों लगा रहा हूं मैं, लैम्डा कोई स्केलर नंबर है, तो लैम्डा का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए के साथ मीनिंगलेस है। डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के बीच में लगता है, क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के बीच में लगता है, ओके। इसी तरीके से अगर ये भी कहा जाए ए डॉट बी डॉट सी क्रॉस या सी डॉट डी, ये मल्टीप्लीकेशन है, मतलब डॉट प्रोडक्ट, तो बताओ ये कुछ काम करेगा, इसका कुछ रिजल्ट होगा? मीनिंगलेस कॉज ए डॉट बी स्केलर ये होगा, स्केलर स्केलर डॉट है, स्केलर नहीं होता है तो ये भी स्केलर है, तो दो कुछ नहीं स्केलर्स होगा। के बीच में डॉट प्रोडक्ट नहीं होता है, मीनिंगलेस। इन सब चीजों का ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में ये सब तरीके से पूछे जा सकते हैं। दो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है, दो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होता है, स्केलर और वेक्टर के बीच में कोई भी ऑपरेशन नहीं लगता है, वो सीधा मल्टीप्लीकेशन होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। जैसे तुम्हें 2 से मल्टीप्लाई करना है किसको, 2i-3j को, तो क्या हो जाएगा, 4i-6j। अब ये नहीं कि 2 का क्रॉस बनाने लगे 2i के साथ, ये मीनिंगलेस है, कोई मतलब नहीं है, 2 का डॉट भी नहीं बना सकते इसके साथ, ठीक है, ये भी मीनिंगलेस है। तो दो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस या दो वेक्टर्स के बीच में डॉट, इसी वजह से यहां देखो ए क्रॉस बी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर तुमसे इस तरीके से पूछा जाए ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, तो इसका रिजल्ट कुछ ना कुछ हो जाएगा, ये करेक्ट है, क्योंकि ए क्रॉस बी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, इसका रिजल्टेंट तो वेक्टर होगा, मान लो वेक्टर एक्स हो गया, और इसका रिजल्टेंट मान लो वेक्टर वाई हो गया, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी है। अब दो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस, बिल्कुल सही है, कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ रिजल्ट आ जाएगा, मीनिंगलेस तो नहीं होगा एटलीस्ट। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यस सर, ये सब यस। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है और क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर होता है, तुम हमेशा देख लेना कि जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, जो ब्रैकेट के अंदर है वो पहले सॉल्व करते हैं, ओके, तो इसका ख्याल रखना। अब देखो इस जो फॉर्मूला हमने अभी ऊपर देखा है, ए क्रॉस बी का जो फॉर्मूला हमने देखा है ऊपर, उस फॉर्मूले से भी हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, उस फॉर्मूले से भी हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये तो फर्स्ट पॉइंट था, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब जो होता है ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा वेक्टर होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। सेकेंड पॉइंट देखो, ये साइन थीटा के बारे में सोचो, सोचो तो अगर थीटा हमारा जीरो हो जाए तो क्या होगा, अगर थीटा हमारा जीरो हो जाए उस केस पे क्या होगा, ए क्रॉस बी आरएचएस पे क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन, जीरो तो होगा सर, साइन थीटा, साइन 0 0 होता ये पूरा आरएचएस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक। तो इस केस में, इस केस में वेक्टर ए हमारा अगर इस डायरेक्शन में है तो वेक्टर बी भी उसी डायरेक्शन में होगा, थीटा अगर जीरो है तो वेक्टर बी, ये मान लो वेक्टर ए है और वेक्टर बी, तभी दो लाइंस के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में है तो उस केस में हम ये बोलते हैं कि जो वेक्टर्स हैं वो कैसे हैं, पैरेलल वेक्टर्स हैं, ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर्स, ओके। थर्ड, थीटा अगर 180 हो
180 हो तो क्या होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन, एंटी पैरेलल है ना. साइन 180 कितना होगा? माइनस वन इंटू एन कैप. तो एन कैप का डायरेक्शन देखो उल्टा हो जाएगा, मतलब ये माइनस ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू एन कैप. तो इस केस में हम क्या बोलते हैं, वैसे भी एक लाइन अगर इधर है वेक्टर ए और वेक्टर बी इधर है, तभी हम इनको बोलते हैं कि इनके बीच का एंगल 180 है. तो ऐसे केस में ए एंड बी जो होंगे एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल वेक्टर्स. सेकेंड और थर्ड जो है, सेकेंड एंड थर्ड, इन दोनों ही केसेस में वेक्टर्स आर, क्या बोलते हैं इनको बताओ, बोलो. इन दोनों ही केसेस में ए और बी को क्या बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर. बहुत बढ़िया, कोलिनियर वेक्टर्स. वेक्टर्स आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स. कोलिनियर में वेक्टर. क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन मेरा यही था कि सेकंड और थर्ड केस दोनों को मिला दें, वेक्टर्स को क्या बोलेंगे? कोलिनियर वेक्टर्स. अच्छा, मतलब एक लाइन में, एक ही लाइन में, एक ही लाइन में एग्जिस्ट कर. नेक्स्ट देखो कि छोटे छोटे पॉइंट है, वन मार्कर इसमें मिल जाएंगे. साइन थीटा की वैल्यू अगर हमको निकालनी हो, थर्ड हुआ ना फोर्थ, देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, निकालो यहां से. साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? ए क्रॉस बी निकाल लेना अपॉन ए का मॉडुलस और बी का मॉडुलस और ये मॉडुलस भी. ये होगा साइन थीटा की वैल्यू. साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, इस पे मॉड लगा लेना. ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट होगा तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, उस पे मॉड लगा लेना, डिवाइड कर लेना उसको ए के मॉड से एंड बी के मॉड से. ओके सर, ये ऊपर वाला मॉड क्यों लगा? ओके, देखो यहां पे, गुड क्वेश्चन. पहले ये बताओ मुझे, कोई स्मॉल ए है वेक्टर, ठीक है, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं तो क्या रिजल्ट आता है? यूनिट वेक्टर. ठीक है, गुड. अब सोच के रिप्लाई करना, अगर वेक्टर ए को एक ऐसे वेक्टर से जो उस पर परपेंडिकुलर है, यूनिट वेक्टर है, उससे डिवाइड करे तो क्या, सॉरी, इसको इससे डिवाइड करे यूनिट वेक्टर से तो क्या आएगा? ये आएगा मॉडुलस ऑफ ए, जो उसका मैग्नीट्यूड होगा. तो यहां पे जो एन कैप बचा था वो एक्चुअली कहां जा रहा है? देखो इसके नीचे जा रहा है. तो इन दोनों का क्या होगा? पहले यहाँ पे, अच्छा मॉड आ जाए, रुको रुको, ये हटा के बात करते हैं. अब बताओ इन दोनों की जगह पे क्या हम ये नहीं लिख सकते? बोलो, वेक्टर और यूनिट वेक्टर, तो उस वेक्टर का मॉडुलस. तो ठीक है, मतलब, हाँ, तो फिर हाँ मॉड आ जाए. ओके कूल, समझ आ गया ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, अब नहीं, अब ठीक हो गया. तो एक्चुअली में ए क्रॉस बी एक वेक्टर मान लो सी है, और एन कैप क्या है? ये है सी के परपेंडिकुलर वेक्टर, ये है एन कैप. एक्चुअली में क्या है, ए और बी का जो रिजल्टेंट है ना वो वेक्टर क्वांटिटी है, उस वेक्टर के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर. तो मान लिया ए क्रॉस बी वेक्टर सी है, अब वेक्टर सी के परपेंडिकुलर यूनिट क्या? तो ये तो सी होगा ना ऐसे. तो आप मॉड ऑफ सी वेक्टर लिख दिए. बिल्कुल, मतलब ए क्रॉस इनटू बी क्रॉस की अपॉन एन कैप की जगह मॉड ऑफ ए क्रॉस इनटू बी क्रॉस लिख दिया. हाँ, इस फॉर्मूले से. ठीक है, कूल, समझ. बहुत बढ़िया. अगर तुम लोग नहीं पूछते तो मैं नहीं बताता ये चीज, मुझे लगा कि चलो ये तो मतलब अंडरस्टूड होगा. अच्छा क्या पूछ लिया अभी, वेरी गुड. चलो नेक्स्ट देखते हैं. थैंक यू.
यहाँ पे फिफ्थ, ये ना एक प्रॉपर्टी है जिसको हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, बट यहाँ पे भी देख लो एक बार, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ये इक्वल नहीं होते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव रूल फॉलो नहीं करता है। ओके, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है बट क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है। क्या रिजल्ट है, क्या रीजन है? साइन थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज नॉट इक्वल टू साइन, वेरी गुड वेरी गुड, माइनस साइन थीटा, बहुत बढ़िया। तो फिर भी देखो एक बार मैं दिखाना चाहता हूं, अगर ए क्रॉस बी लिखें हम लोग तो क्या लिखेंगे, जल्दी से लिखते हैं, ए बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है, ये हो गया हमारा LHS। और RHS अगर लिखें, RHS अगर लिखें, RHS है B क्रॉस A, तो ये हो गया B A और साइन क्या हो जाएगा, माइनस थीटा इंटू एन कैप, ठीक है, ये हमारा RHS है। तो देखो ये रिजल्ट क्या मिल जाएगा, माइनस A B इंटू साइन थीटा एन कैप। तो दोनों में देखो सिर्फ माइनस का फर्क है, कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं A क्रॉस B इक्वल होगा B क्रॉस A के, लेकिन आगे माइनस लगाना पड़ेगा। वैसे भी हमें पता है अगर एक वेक्टर A इधर हो और उधर ही सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर अगर हमको लिखना है तो क्या कर लेंगे, A को माइनस कर लेंगे। देखो ये मान लो A क्रॉस B अगर हम C ले लें तो वेक्टर C और ये माइनस C है, मतलब C का उल्टा है, C का डायरेक्शन बस बदल दिया है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया ना, डायरेक्शन अपोजिट होगा तो ऑब्वियसली थीटा 180 होगा, तो साइन 180 माइनस 1, हर चीज वेरीफाइड है ना। तो वेक्टर जो होते हैं क्रॉस प्रोडक्ट उनका कम्यूटेटिव रूल फॉलो नहीं करता है, ठीक है, इसको हम प्रॉपर्टीज में भी लिखेंगे एक बार, बट उससे पहले यहां तक कॉपी कर लो, कॉपी करके इन्फॉर्म करो। तो यहां तक हो गया, अब देखो आगे। यस सर। अब ना मैं तुम्हें ये सिखाता हूं कि क्रॉस हम निकालेंगे कैसे, दो मेथड्स हैं क्रॉस निकालने के, एक तो सिंपल बस क्रॉस कर लो, मेथड्स टू फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट, मेथड वन, इसमें मान लिया दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, ये थोड़ा सा लंबा होता है बट प्रोसेस है तो सीखना पड़ेगा, भले हम एग्जाम में अप्लाई ना करें, ए वन आई कैप, ए टू जे कैप, ए थ्री के कैप, और दूसरा वेक्टर है बी, बी वन आई कैप, बी टू जे कैप और बी थ्री के कैप। ओके, हमें इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस निकालना है, ए क्रॉस बी, कैसे करते हैं देखो, थोड़ा सा लंबा होता है, मिस्टेक कहीं ना हो बस यही मैं चाहता हूं, देखते रहना कहीं कोई मिस्टेक दिखे तुरंत बताना, b1 i कैप, b2 j कैप, b3 k कैप। पहले क्या करते हैं, a1 i कैप का इन तीनों के साथ मल्टीप्लिकेशन, देखो a1 i कैप वेक्टर क्वांटिटी है इसीलिए क्रॉस बना सकता है वो, b1 i कैप के साथ क्रॉस बना सकता है क्योंकि वो भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये सारे वेक्टर कंपोनेंट हैं। तो a1 i कैप b1 i कैप के साथ मल्टीप्लाई, तो जो स्केलर नंबर है वो तो स्केलर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a1 into b1, और जो वेक्टर्स क्वांटिटी है उनके बीच में क्रॉस लग जाएगा, i क्रॉस i, इसी तरीके से बाकी सारे भी मल्टीप्लीकेशन होंगे। तो a1 into b2 i कैप क्रॉस j कैप, इसको i क्रॉस j ही लिखना, j क्रॉस i मत कर देना, ठीक है, इसमें क्या बोला है ना, a क्रॉस b, तो a वाला पहले लिखेंगे b वाला बाद में, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता है तो बहुत ही सावधानी से करना है, b वाला ब्रैकेट पहले ना लिख दें, प्लस a1 i कैप into b3, तो a1 into b3 i कैप क्रॉस k कैप, a1 का हो गया। अब देखो a2 का, प्लस a2 into b1 j कैप क्रॉस i कैप, प्लस a2 into b2 j क्रॉस
j cap into j cap cross j cap plus a to b3 j cap cross k cap last a3 का a3 into b1 k cross k cap cross i cap plus a3 b2 k cap cross j cap plus a3 b3 k cap cross k cap. अब देखो क्या होता है, यहां पे कुछ फॉर्मूले सिखाऊंगा मैं, छोटे छोटे बहुत ही काम के हैं, तुम्हें याद रखने हैं, भले तुम डिटरमिनेंट मेथड से क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करो, फिर भी तुम्हें अभी जो फॉर्मूले लिखूंगा वो याद रखने हैं. क्या है फॉर्मूले? I का I के साथ क्रॉस क्या होता है? लगाओ फॉर्मूला. देखो ये होता है I क्रॉस का मैग्नीट्यूड, I कैप का मैग्नीट्यूड. अगर मैं कुछ गलत बोल दूं तो मतलब मीनिंग समझ लेना मैं क्या लिखना चाह रहा हूं. फिर I इनटू साइन थीटा. थीटा क्या होगा बता सकते हो? I और I के बीच में जीरो. जीरो इनटू n कैप. ओके n कैप. तो इसका रिजल्ट क्या होगा? जीरो होगा. साइन जीरो जीरो होता है. तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, ये तीनों क्या होते हैं? जीरो होते हैं. इनकी वैल्यू हम यूज करेंगे थोड़ी देर में. अब देखो आई क्रॉस जे कितना होता है? आई क्रॉस जे तो ये होगा आई का मैग्नीट्यूड इंटू जे का मैग्नीट्यूड इंटू साइन. बताओ कितना आई और जे के बीच में? 90. यस करेक्ट. इनटू एन कैप. तो आई तो 111 हो गया और साइन 91. अब देखो एन कैप जो है ना सिर्फ वही बचा है, बाकी सारे वन हो चुके हैं. एन कैप जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, भले उसका मैग्नीट्यूड वन हो बट है वो वेक्टर क्वांटिटी. तो एन कैप मैंने बताया था ए क्रॉस बी जब लिख रहा था तो याद करो कि एन कैप जो होगा आई और जे दोनों पे परपेंडिकुलर होगा. तो क्या उसको के कैप लिख सकते हैं? तो आई क्रॉस जे क्या हो गया? के हो गया. इसी तरीके से अगर तुम जे क्रॉस के निकालोगे तो ये होगा आई कैप. के क्रॉस आई निकालोगे तो ये कितना होगा? जे कैप. ठीक है. अब इनका उल्टा अगर करें, इनका अगर उल्टा करें क्या क्या हो गया फॉर्मूला देख लो. पहले I क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस K हो गया जीरो. I क्रॉस J ये कितना हो गया? K. J क्रॉस K हो गया I और K क्रॉस I हो गया J. अब इनका अगर उल्टा करें, रिवर्स करके मल्टीप्लाई करें, अगर क्रॉस निकालना चाहें, J क्रॉस I करना चाहें तो ये कितना होगा? J का मैग्नीट्यूड, I का मैग्नीट्यूड और साइन. बताओ एंगल कितना होगा? बताओ जरा जे और आई के बीच में. सर 90 होगा? नहीं 90 नहीं 270. देखो डायरेक्शन, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे और अगर क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो नेगेटिव लेंगे. तो जे से आई यहां देखो, ये मान लिया आई कैप, ये मान लिया J कैप, ये मान लिया K कैप. एक ही डायरेक्शन हो गया ना, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है. अब सुनो देखो ये J मैं ठीक से लिख दूं, तीनों का डायरेक्शन सेम है, तीनों एंटी क्लॉकवाइज है, है ना. अब I क्रॉस J, तो I क्रॉस J इधर से इधर जा रहे हो तो क्या बच गया? K कैप. अगर वो डायरेक्शन सेम है तो प्लस K लिखेंगे और अगर J क्रॉस I निकाल रहे हो तो क्लॉकवाइज जा रहे हो ना. देखो जे से आई की तरफ क्लॉकवाइज है, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा? या तो तुम एक्चुअल डायरेक्शन जो है वही फॉलो करो, हर समय जिद बना के रखो, हर समय वही फॉलो करेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर तो ये इस वाली एरो का जरूरत नहीं था. तुम्हें जे क्रॉस आई जाना है तो ये 90 और ये 90, लेकिन एक्चुअली आई जो है वो किधर है, जे किधर है और के उसके परपेंडिकुलर बाहर है. तो हम आई से जे जाएं फिर जे से के जाएं, बीच में हमको और भी चीजें मिलेंगी. तो बेटर रास्ता क्या है?
तुम्हें कोई भी दो वेक्टर्स का अगर क्रॉस निकालना है और वो यूनिट वेक्टर है, तो उन दोनों के बीच में, मैं आई जे के की बात कर रहा हूं, तो दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो सिलेक्ट करो। अब शॉर्टेस्ट पाथ अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो रिजल्ट पॉजिटिव लिखोगे, और अगर क्लॉकवाइज है तो माइनस लिखोगे। जैसे यहां देखो, मैं वेरीफाई भी करता इसको, यहां पे साइन का एंगल 270 है, मैं दिखाता हूं कैसे। आई क्रॉस जे निकाल रहे हैं, पहले इसको देखो इस साइन कन्वेंशन से, आई क्रॉस जे अगर निकाल रहे हैं तो आई और जे के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ कौन से रास्ते से जा रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? आई और जे के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ ये वाला है ना, तो वो एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब पॉजिटिव है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। हाँ, तो पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो इसका रिजल्ट होगा प्लस के कैप, ये है। अब जे और के बीच में देखो, जे और के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ यही वाला है नीचे वाला, और वो डायरेक्शन कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो जे और के का क्रॉस क्या होगा, आई कैप पॉजिटिव का, यहां पे लिखा है के क्रॉस आई, तो के और आई के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ ये वाला है और वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो इसका रिजल्टेंट होगा प्लस जे कैप, ये लिखा है। अब ये देखो जे और आई का देखो तो जे और आई एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो 270 आ जाएगा। जे क्रॉस आई अगर निकालें तो शॉर्टेस्ट पाथ अगर हम ले रहे हैं ये वाला, शॉर्टेस्ट पाथ यही है, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है, तो इसका रिजल्ट होगा के तो होगा लेकिन माइनस होगा, तो ये सारा मिला के और एन कैप भी है, ये हो जाएगा माइनस के। तो ये बस सर्कल तुम्हारे माइंड में अगर बैठी है, आई जे के अगर बैठे हैं तो बहुत जल्दी इसका आंसर निकल जाएगा, बस डायरेक्शन देखना कौन सा फॉलो कर रहे हैं, ये कभी फेल नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो मुझे के क्रॉस जे निकालना है, के क्रॉस जे, तो के और जे के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ ये वाला है, कौन सा डायरेक्शन है ये, क्लॉकवाइज है, तो माइनस और थर्ड वाला माइनस आई, बस एक और बचा होगा कौन सा, के क्रॉस आई, नहीं आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, चलो आई क्रॉस के, नहीं आई क्रॉस के, हाँ आई क्रॉस के ये वाला, बताओ आई क्रॉस के क्या होगा, माइनस जे, माइनस जे, आई क्रॉस के माइनस जे, तो ये रूल याद रखने, और ये सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अब इन सब की वैल्यूज हम कहां पे रखेंगे, इन तीनों में रखते हैं, तो ए क्रॉस बी की लाइन को हम कंटिन्यू करते हैं, इधर लिखते हैं, नहीं इधर ही लिखते हैं, क्योंकि सेकंड मेथड भी इधर ही दिखाना है ताकि वेरीफाई करें रिजल्ट सेम है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या क्या जीरो है, मैं उसको ना एरो दिखा देता हूं, ये तो जीरो हो गया डॉटेड एरो से, ये वाला क्या हो गया जीरो, फिर जे क्रॉस जे ये वाला जीरो हो गया, और ये लास्ट वाला जीरो हो गया, तो इन तीनों को छोड़ देते हैं। ए वन बी वन पहले लिखते हैं, सॉरी ए वन बी टू और आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, बताओ मैं एक काम करता हूं, ये सर्कल अच्छी सी बना देता हूं, और तुम लोग ईमानदारी से इधर मत देखना, लेफ्ट साइड पे मत देखना, अभी खुद से निकाल के बताना कि निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे हो। ये मान लिया आई कैप, ये मान लिया जे कैप, और ये मान लिया के कैप। चलो तो ए वन बी टू, मैं इस टर्म की बात कर रहा हूं, ओके, तो ए वन बी टू मैग्नीट्यूड हो गया, आई क्रॉस जे बताओ क्या होगा, आई क्रॉस जे प्लस के होगा, यस। इसको देखो थर्ड वाला टर्म, ए वन बी थ्री इंटू माइनस जे कैप, आई क्रॉस के, माइनस जे कैप पक्का ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये हो गया माइनस जे कैप, बहुत बढ़िया। अब ये देखो, और ये हो गया फर्स्ट लाइन, अब सेकंड लाइन देखो, ए टू बी वन, बताओ उसका क्या लिखें, जे जे क्रॉस आई, सर के कैप, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, के कैप हो जाएगा, माइनस के प्लस, प्लस जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई नहीं माइनस होगा, माइनस के कैप, सही है, प्लस ए टू बी थ्री, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के है,
आई कैप होगा सर, आई हो जाएगा प्लस आई हो जाएगा, आई कैप होगा, पॉजिटिव। कोई परेशानी तो नहीं हो रही है ना? थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे, वही डाउट लग रहा है। नहीं नहीं थोड़ा टाइम लगेगा परेशानी लेकिन नहीं है सर। हाँ ये बस समझ में आना चाहिए सर्कल वाला। अब देखो थर्ड लाइन, तो ए थ्री बी वन इधर एक ही लाइन में लिखते हैं, प्लस ए थ्री के क्रॉस आई जे हो जाएगा, जे कैप होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव ए जे क्रॉस कैप। आई पॉजिटिव जे। ओके चलो कुछ तो समझ आ रहा है। फिर ए थ्री बी टू आगे बताओ, के क्रॉस जे के क्रॉस जे माइनस आई कैप, माइनस आई कैप, और थर्ड वाला जीरो हो गया। अब यहां पे हम लाइक टर्म्स को एक जगह लिखेंगे, तो आई कैप देखो कहां कहां पे है, एक तो ये है और एक ये है, तो इसको लिखेंगे ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू, ये स्केलर कंपोनेंट हो गया, उसके साथ वेक्टर कंपोनेंट आई कैप हो गया। अब जे कैप देखो, एक ये है और एक ये है, तो प्लस वाला पहले, ए थ्री बी वन माइनस ए वन बी थ्री इंटू के कैप प्लस, अब क्या बचा, के बचा, तो फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है उसको पहले लिख दिया, ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, और इसके साथ क्या लग गया, ये कैप। ये हो गया वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन। तुम्हें लग रहा होगा बहुत टाइम टेकिंग है, लेकिन ना सच में बहुत इजी है, सच में बहुत इजी है, ट्रस्ट मी, ये बहुत इजी है, बहुत जल्दी हो जाएगा। मैं तो डिटर्मिनेंट से नहीं करता सर, था, तुम इससे यकीन नहीं बेटर तो करोगे। डिटर्मिनेंट यूज कर लेते हैं। वो तो है ही, वो तो है ही, बट मैं ना पता नहीं क्यों डिटर्मिनेंट यूज नहीं करता था। अब देखो मेथड टू, मेथड टू देखो, इन्हीं दोनों वेक्टर्स का अगर हमको क्रॉस निकालना है, ए क्रॉस बी अगर करना है, तो ये एक लाइन में आंसर दे देता है, आई कैप जे कैप के कैप। अच्छा उससे पहले, अच्छा यहाँ पे बहुत बढ़िया, ए वन ए टू ए थ्री ये स्केलर कॉम्पोनेंट है, ए वन ए टू ए थ्री यहां लिख देते हैं, और वेक्टर बी के जो स्केलर कॉम्पोनेंट है यहां लिख दो, जरा इसको एक्सपैंड करो किसी भी रो किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग, तो पहली रो के अलोंग एक्सपैंड करते हैं, ये रो ही बोलते हैं ना इसको, कॉलम बोलते हैं जो भी बोलते हैं, हाँ, पहली पहली रो है ये, जो भी है जो भी है, वो ए हमारा टू पॉइंट ऑफ बी थ्री कंसिडरेशन नहीं है, माइनस बी टू ए थ्री माइनस जे कैप इंटू ए वन बी ए थ्री, वन बी थ्री माइनस ए बी वन ए थ्री बी थ्री वन, बहुत बढ़िया, के कैप के प्लस साथ के क्या होगा, कैप ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू। हाँ वही ए टू बी वन। अब देखो ये पहले और लास्ट के तो मैच कर रहे हैं, लास्ट बीच वाला बस जे माइनस का दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, ए टू बी थ्री ए थ्री बी टू माइनस कॉमन करके जे को प्लस कर लो, तो यहां साइन चेंज हो जाएगा, ए थ्री बी वन माइनस ए वन बी थ्री, और के कैप इन टू ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, तो ये सेम रिजल्ट देता है, देखो ए टू बी थ्री ए थ्री बी वन आई कैप, बीच वाला जे है ना, आई जे के कौन सा, ओ हो ये बीच वाला जे है, यहाँ पे नीचे नीचे, हाँ ये ना आप देखो करेक्ट कर दिया, इसी को बोले थे ना, ये सर पर, हाँ हाँ तो वो जे हो गया, ठीक है करेक्ट हो गया। तो ये होता है वेक्टर का क्रॉस निकालने का मेथड, ये वाला बहुत जल्दी आंसर निकाल देता है, बट ये भी तुम्हें आना चाहिए, क्योंकि अब तुम्हें आगे तो कोई नहीं सिखाएगा ये वाला मेथड, है ना, तो इन दोनों को कॉपी कर लो, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के मेथड, फिर इनके एप्लीकेशन देखेंगे अभी, ट्रायंगल का एरिया और पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकाला जाता है, कॉपी करो इतना। एप्लीकेशन क्या है वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का, एप्लीकेशन क्या है, जो दो एप्लीकेशन है बहुत मेजर, आपकी टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो पहला एप्लीकेशन है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया हम फाइंड कर सकते हैं वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट यूज करके, एरिया ऑफ ट्रायंगल, बट उससे पहले क्लास 11th का एक फॉर्मूला, आई होप दोनों को याद होगा, ये मान लो एबीसी ट्रायंगल है, ये वाली साइड मान लो एक्स है, ये वाली साइड मान लो वाई है, और ये एंगल मान लो थीटा है, इसका एरिया बता सकते हो,
हाँ ट्रायंगल का एरिया क्या होगा एक्स वाई और थीटा के टर्म्स में? हाफ एक्स वाई साइन थीटा, ये ट्रायंगल का एरिया होगा अगर दो साइड्स की वैल्यू हो हमारे पास और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल अगर हमारे पास हो, तो हाफ इंटू एक्स इंटू वाई साइन थीटा ये ट्रायंगल का एरिया होता है। ठीक है, ये देखा है फॉर्मूला? नहीं देखा है तो बताओ पहले, ये फॉर्मूला मैं बताऊं? सर याद नहीं आ रहा कहाँ देखा याद नहीं आ रहे? देखो मैं, देखो क्या होता है ना, ये मान लो एंगल ए की अपोजिट साइड स्मॉल ए, एंगल बी की अपोजिट स्मॉल बी, ये सब तो जानते होगे, और ये स्मॉल है। सी, हाँ आपने बताया तुम्हें। ये एंगल मान लो अल्फा है, ये बीटा है, ये मान लो गामा है। ओके, तो इस ट्रायंगल का एरिया देखो कैसे कैसे निकाल सकते हैं हम। अगर ए और बी यूज करना चाहें साइड लेंथ, तो साइन बीटा लिखेंगे। अगर हम बी और सी यूज करना चाहें, तो गामा एंगल बीच में इंक्लूड हो रहा है, उसका साइन ले लो। और अगर हम सी और ए यूज करना चाहते हैं, तो साइन अल्फा ले लो। ये तीनों सेम होंगे, ये ट्रायंगल का एरिया है। मैं कोई एक तुमको प्रूफ करके दिखा देता हूं, कोई भी एक। ठीक है, पहला वाला ही कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री अच्छी नहीं लग रही है तुम लोगों की। ए और बी, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, ये बीटा है। सिर्फ पहला वाला प्रूफ कर रहे हैं, ये वाला। देखो दो मेथड्स हैं प्रूफ करने के, इस वाले को प्रूफ करने के दो मेथड्स हैं, मेथड वन मेथड टू। कितना एडवांस है, कितना वाइड है वो देखो बस। मेथड वन देखो क्या करो, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो इस वाली साइड पे, ऐसे। इसको मान लो एच। ओके, तो डेल्टा मतलब ट्रायंगल का एरिया, वो क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यस और नो? एच कैसे निकालोगे इस ट्रायंगल में, साइन बीटा निकालो जरा। साइन से, हाँ, हाँ तो साइन कितना बीटा आएगा, से आ एच कितना जाएगा। आएगा, साइन बीटा कितना होगा, एच अपॉन बी होगा ना, तो यहां से एच की वैल्यू डाल हाँ दो, ए और एच की जगह पे क्या डालोगे, बी साइन बीटा ना, बी बी साइन बीटा। तो हो गया मेथड वन। मेथड टू में क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है एसी साइड पे, एसी साइड पे। ये साइड हमारी बी थी, ये साइड ए था, ये एंगल बीटा था, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, इसको एच मान लो। तो डेल्टा फिर से होगा हाफ इंटू बेस, इस बार बी होगा और हाइट होगी एच। अब एच की वैल्यू फिर फाइंड करो, तो साइन बीटा अब क्या होगा, इस बार साइन बीटा इस बार होगा एच अपॉन ए। तो यहां से डेल्टा क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बी, और एच की जगह पे क्या रखोगे, ए साइन बीटा। ए साइन बीटा। अब ठीक है, यप तुम्हें ये फॉर्मूला कैसे याद नहीं था, मैं तो बहुत मतलब शॉक्ड हूं। ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है, बहुत काम का है ओके ये फॉर्मूला बहुत काम का है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पढ़ाया था क्लास 11 में? नहीं पढ़ाया था, एनसीईआरटी में नहीं है वैसे ये सब, तो नहीं पढ़ाया सर। पता नहीं कैसे नहीं पढ़ाया, कोई नहीं। ये तो तुम्हें सीखना चाहिए था प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के नाम से। ये साइन फॉर्मूला, को साइन फॉर्मूला नाम सुने हो? हाँ ये बीएमसी वाले कह रहे थे हम 12th में कराएंगे, अभी हमारे रिसेंटली कुछ कह रहे थे ऐसे कराएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोई ट्रायंगल, बात अब नहीं, वो कराऊंगा ये कराएंगे, मैं। वो कराएंगे, जरूर कराएंगे। बट ये तुम्हें 11th में सीखना चाहिए था, साइन फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, नेपियर्स टेंजेंट लॉ, ये सब सीखना चाहिए था। और तुम लोगों ने कुछ नहीं है, ये वो सब कुछ नहीं आता जो है। मैं बता रहा था स्टार्ट में, बिल्कुल स्टार्ट में, 11th की ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला, अच्छा उसमें नहीं है, उस वाले लेक्चर में नहीं है। ठीक है, कोई बात हाँ नहीं, नहीं सर उसमें भी नहीं। ठीक है कोई बात नहीं। ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में आता है, ये फॉर्मूला देखो क्या है, दो साइड की लेंथ पता होनी चाहिए और उसके बीच का एंगल हमको पता होना चाहिए। तो क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू दोनों साइड्स का प्रोडक्ट इंटू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक है, ये फॉर्मूला से हम ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। यही फॉर्मूला यूज करके हमें ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। देखो कितनी कहाँ कहाँ की बातें हो गई।
तो ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, या फिर ये वाला फॉर्मूला भी हम लगा सकते हैं जो अभी अभी मैंने बताया है, बट इसको अब मैं वेक्टर ए वेक्टर बी इस फॉर्म पे दिखाऊंगा। ओके देखो एक ट्रायंगल है, थोड़ा बड़ा फिगर बनाते हैं, ये साइड मान लिया, ये पॉइंट मान लिया ए है वर्टेक्स, ये वर्टेक्स बी, ये वर्टेक्स सी। अब ये जो बी ए है ना वो हमारा वेक्टर ए है, जस्ट इमेजिन, और ये जो ए सी है वो वेक्टर बी है, ये एंगल थीटा है ऐसा मान लो। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इस ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ इंटू वेक्टर ए का मॉडुलस वेक्टर बी का मॉडुलस इंटू साइन थीटा, यस और नो? इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, देखो ए वेक्टर का मॉडुलस क्या होगा, ए बी की लेंथ ही तो होगी, हाँ या ना? यस सर। वेक्टर ए का मॉडुलस क्या होगा, ए बी साइड की लेंथ होगी, वेक्टर बी का मॉडुलस क्या होगा, ए सी साइड की लेंथ होगी, ये वही है हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। अब जरा ये वाला बताओ क्या है, ए क्रॉस बी नहीं है? हाँ ए क्रॉस बी आ गया, हो गया ना, यही तो है एरिया ऑफ ट्रायंगल, समझ आई बात? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो जब फॉर्मूले को इस तरीके से देखोगे ना तब जाके इनको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस क्वेश्चन कर लो खूब इस पे, एनसीईआरटी में हम करेंगे, एनसीईआरटी में एक ही है तो एग्जाम्पल के भी करने पड़ेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में देखो, अब ये मत बोलना पैरेललोग्राम का एरिया नहीं पता है बेस इनटू हाइट, वो तो पता होगा, ये तो पता है, इतना तो पता है बेस इनटू हाइट होता है। बहुत बढ़िया, तो ये मान लिया वेक्टर ए है, ये मान लिया वेक्टर बी है, इस बार फिर से इस एंगल को हम थीटा लेते हैं, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये होता है बेस इनटू हाइट। अब हाइट तो ये है, बी तो है नहीं, हाइट तो ये वाली है, ए का मैग्नीट्यूड मतलब ए बी साइड की लेंथ, ओके, वेक्टर ए का मॉडुलस मतलब ए बी साइड की लेंथ, और ये मान लो डी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, बी का मैग्नीट्यूड मतलब ए डी साइड की लेंथ। अब पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इनटू हाइट, मतलब ए बी इनटू हाइट क्या है डी एम, ओके, ए बी साइड की लेंथ क्या होगी, वेक्टर ए का मॉडुलस, डीएम की लेंथ कैसे निकालेंगे, तो इस ट्रायंगल में साइन थीटा लगा लो पहले, ए डी एम ट्रायंगल में साइन थीटा बताओ क्या होगा, परपेंडिकुलर हो गया एच, हाइपोटेन्यूज हो गया वेक्टर बी का मॉडुलस, एच अपॉन मॉड ऑफ बी, हाँ, तो यहां से डीएम, यही तो हमारा एच ही तो डीएम है, एच ही तो डीएम है, तो यहां से डीएम निकाल लो, क्या हो जाएगा डीएम, बी का मॉडुलस इंटू साइन, टोटल मॉड ऑफ ए क्रॉस बी आ गया, बहुत बढ़िया, ये हो गया ए क्रॉस बी, बस ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया। इन दोनों को कॉपी करो विद फिगर, अब क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, इनको कॉपी करो, जल्दी से कॉपी करो। तो चलते हैं एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 10.4 जो इसकी आखिरी एक्सरसाइज है, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे, होपफुली आज ये खत्म हो जाएगा हमारा चैप्टर। कितने क्वेश्चन है टोटल, बट बड़े बड़े क्वेश्चन है ये ध्यान रखना, 10 क्वेश्चन है टोटल, 10 और 9 तो मतलब एक ही क्वेश्चन है, क्या करें, बट चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो छोटे छोटे हैं तो पहला दूसरा एक साथ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो मेरे साथ साथ करोगे, ठीक, ए क्रॉस बी का मॉडुलस फाइंड करना है, चलो करो जरा, मैं भी करता हूं, यहां पे बोलेंगे कुछ नहीं हम लोग, फिर लास्ट में आंसर मैच कर लेंगे।
ए क्रॉस बी मिल गया वेक्टर, ए क्रॉस बी मिल गया सर, सही मिला है मेरे जितने। ओके 19 जे कैप प्लस 19 के कैप, बहुत ही बढ़िया, सही, बहुत ही बढ़िया। इसका मॉडुलस 2 × 19 स्क्वायर, 19√2। सही है बोलो। यप, यस सर, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन नंबर टू देखो, थोड़ा सा लंबा है बट बहुत सिंपल है, और ये सारे वेक्टर की डेफिनेशन को यूज कर रहा है, मतलब ए क्रॉस बी की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है उसको यूज कर रहा है ये क्वेश्चन। फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। देखो क्या करते हैं हम लोग, कैपिटल ए एक वेक्टर मान लेते हैं, ए प्लस बी, एंड कैपिटल बी एक दूसरा वेक्टर मान लेते हैं, ए माइनस बी। तो स्मॉल ए स्मॉल बी हमको दिया हुआ है ना, स्मॉल ए कितना दिया तो है सर, हाँ बोलो, इसमें हम ए प्लस बी ए माइनस बी निकाल लेंगे, फिर उसको क्रॉस कर देंगे, फिर जो उसको क्रॉस कर लेंगे और जो एन कैप होगा वो निकाल लेंगे ऑब्वियसली। हाँ वो ही यूनिट है। चलो करो फिर, करो करो करो, साथ साथ करो मेरे। इन दोनों का सम तो ये हो गया 4i कैप, के तो निपट गया, 4j हो गया, बी का क्या हाल है, ये हो गया 2i j, निपट गया इस बार, और ये हो गया 4k, ए और बी मिल गया। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी क्या होता है, वेक्टर सी अपॉन मॉडुलस सी, ये फॉर्मूला होता है। तो ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए क्रॉस बी को मान लिया वेक्टर सी, ओके, तो अब लिखेंगे यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए क्रॉस बी जो वेक्टर आएगा उसका मॉडुलस। जरा ये देखो तो मैंने क्या लिखा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये वाली लाइन आ रही है समझ। चलो तो ए क्रॉस बी निकालें पहले डिटरमिनेंट मेथड से। आई सर, वो जो आपने ए क्रॉस बी लिखा है उसको ब्रैकेट करके ऊपर कैप लगा दो ना एक, कहाँ पे, अच्छा ये आपने लिखी है पूरी लाइन यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, ओके, तो ए का क्या है 4, जे तो 4 है और के नहीं है, और इधर क्या है 2, जे नहीं है और के है 4, तो ये क्या बन गया 4 − 8 = 16i कैप माइनस 16j कैप, 4 × 4 = 16 और −8k कैप। जरा देखना एक बार सही है कि नहीं, तब तक मैं मॉडुलस निकालता हूं।
फोर से काट लो, फोर से काट ले, फोर से या एट से ना काट ले। हाँ एट से काट लो, एट से काट लो, 24 है ठीक है। ये हो गया 2/3 आई कैप माइनस 2/3 जे कैप, 2/3 माइनस 1/3 के कैप, 1/3 के कैप। देखो यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, हमें प्लस माइनस साइन लगाना है, उसका रीजन मैं बता रहा हूँ प्लस माइनस क्यों। देखो मान लो ये एक वेक्टर है, सी वेक्टर की बात हो रही है, सी मतलब ए क्रॉस बी जो था वो सी वेक्टर है, तो वेक्टर सी के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर कहाँ कहाँ हो सकता है? एक तो प्लेन से बाहर आ सकता है, एक प्लेन के अंदर भी तो हो सकता है। इतना बताओ पहले, यूनिट वेक्टर इसके परपेंडिकुलर कहाँ कहाँ जा सकता है? एक तो मान लो वेक्टर सी हमारा एक्स के या वाई के है, तो यूनिट वेक्टर जेड के एक्सिस, जेड के अलोंग होगा, तो एक तो इस मेरे बोर्ड के प्लेन से बाहर आ सकता है, एक बोर्ड के प्लेन के अंदर भी तो जा सकता है, और हमें यह भी पता है कि अगर ये वेक्टर सी है तो ये वेक्टर माइनस सी है। कहने का मतलब प्लस माइनस साइन से उन दोनों वेक्टर्स को हम दिखा सकते हैं, तो बेटर रहेगा, ये बार बार हम लोग भूल जाते हैं, प्लस माइनस साइन यहाँ पे ऐड कर ले, ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये आंसर है, छोटी छोटी बात का ध्यान रखना होता है बस। ये कॉपी कर लो, 1 और 1 और 2। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, थर्ड थोड़ा सा लंबा है और इसमें तुम्हें क्या बोलते हैं उसको, एल एम एन को क्या बोलते थे, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन, याद है या भूल गए? डायरेक्शन रेशियोस, यस सर याद है, डायरेक्शन रेशियो। फिर तो अच्छी बात है, थर्ड करेंगे पहले फिर करेंगे फोर्थ। देखो थर्ड पहले करते हैं, इफ अ यूनिट वेक्टर वेक्टर ए, वेक्टर ए क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो उसका मॉडुलस 1 सबसे पहले लिख लिया, मेक्स एंगल पाई बाई 3 विद आई कैप, आई कैप मतलब एक्स एक्सिस के साथ पाई बाई 3, जे के साथ पाई बाई 4, तो इनको हम अल्फा बीटा गामा बोलते हैं ना, कोई वेक्टर अगर एक्स के साथ कोई एंगल बनाती है, करेक्ट, तो अल्फा की वैल्यू हो गया, हाँ बहुत बढ़िया, पाई बाई 3, बीटा पाई बाई 4, बीटा हो गया पाई बाई 4, और गामा का दे रखा है, गामा एंड अक्यूट एंगल, गामा मान लिया थीटा दिया है, थीटा लेस देन 90 है ये बता रहा है, ओके गामा थीटा है और वो लेस देन 90 है, देन फाइंड द थीटा एंड हेंस द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। तो क्या क्या फाइंड करना है, टू फाइंड थीटा एंड ए का कंपोनेंट्स, ठीक है, एंड कंपोनेंट्स ऑफ ए, ये सब फाइंड करना है। चलो तो क्या करते हैं हम लोग, देखो सबसे पहले वेक्टर ए को हम मान लेते हैं a1 i कैप, a2 j कैप और a3 k कैप। अब ये जो a1 है, ये जो a1 है उसका रिलेशन l के साथ होता है, पता नहीं तुम्हें याद है कि नहीं याद है, मैं लिखता हूं पहले, देखो l की वैल्यू क्या होती है, l होता है cos अल्फा, याद है कि नहीं याद है? हाँ cos अल्फा होता है, और cos अल्फा की जगह हम लिखेंगे a1 अपॉन मॉडुलस a, मॉडुलस ऑफ, हाँ मॉडुलस a, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, गुड इवनिंग। तो ये देखो यहाँ पे a1 अपॉन a, अच्छा cos अल्फा कितना है, अल्फा है पाई बाई 3, तो cos अल्फा मतलब cos पाई बाई 3, ये हो गया a1, और a का मॉडुलस तो 1 रहेगा क्योंकि यूनिट वेक्टर है, तो ये कितना आ गया, a1 की वैल्यू क्या आ गई बताओ, a1 की वैल्यू 1/2 आ गई cos पाई बाई 3 से, यस सर, तो पहला कंपोनेंट आ चुका है, हमें कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर मतलब a1 a2 एंड a3 यही तीनों फाइंड करने हैं, और थीटा भी फाइंड करना है, तो a1 तो मिल गया, इसको कवर कर लिया, आंसर का एक पार्ट हो गया। अब देखो m से निकालेंगे cos बीटा, m cos बीटा से निकलेगा, और ये क्या होता है y कंपोनेंट अपॉन वेक्टर का मॉडुलस, cos बीटा की वैल्यू है पाई बाई 4, मतलब बीटा की वैल्यू है पाई बाई 4, तो cos पाई बाई 4 इक्वल टू 1/√2 अपॉन 1, हां तो a2 यहां से मिल गया 1/√2,
एन की वैल्यू, बट यहाँ पे थीटा दिया नहीं है, एन की वैल्यू होगी एक रिलेशन होता है सर कॉस गामा, एन की वैल्यू कॉस गामा है, ठीक है ना, एक रिलेशन होता है, सही कह रहे हो, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू क्या वन वन। अच्छा वो रिलेशन देखो यहां से भी वेरीफाई कर सकते हैं हम लोग, कैसे, वही रिलेशन अभी यूज करने वाले हैं, देखो कैसे, यहां पे देखो ये वेक्टर ए का मॉडुलस कितना है, वन है, ये देख रहे हो ना, जरा मॉडुलस अपनी लैंग्वेज में निकालो कितना होगा, ऐसे लिखते हैं, एज वेक्टर ए का मॉडुलस इज वन, जरा इस मॉडुलस को निकालो अपने अकॉर्डिंग, अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस A2 square plus A3 square. हाँ दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर और ए थ्री स्क्वायर, इसकी वैल्यू वन आ गई है ना, ए वन की वैल्यू हो गई 1/4 उसका स्क्वायर मतलब, ए टू स्क्वायर हो गया 1/2 और ए थ्री स्क्वायर बताओ क्या होगा, ए थ्री हमने निकाला नहीं है ना अभी, यहां से निकाल लेते हैं उसको, तो ये हो गया ए थ्री अपॉन वेक्टर ए का मॉडुलस, तो कितना हो गया ए थ्री ओनली। अच्छा गामा यहाँ पे थीटा था तो वो थीटा लिख ले ज्यादा बेटर रहेगा है ना, तो ए थ्री डायरेक्टली कॉस थीटा हो गया, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, यहां तक कोई परेशानी है तो बताओ, कॉस थीटा यहां से निकल जाएगा और थीटा निकल जाएगा फिर ए थ्री भी आ जाएगा, तो ये देखो 1/4 प्लस 1/2, 1/2 एक्चुअली में क्या है 2/4 है, तो 1/4 और 2/4 मिला के हो गया 3/4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1 माइनस 3/4 मतलब ये 4 माइनस 3 1/4 हो गया, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या 1/2 आ जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 प्लस माइनस 1/2, बट थीटा इज लेस देन 90 डिग्री ये गिवन है, देखो थीटा एक्यूट एंगल था ना कहीं पे लिखा था, प्लस वाला लेंगे सर, हाँ तो माइनस वाला कट जाएगा, सो हाँ रिजेक्ट हो जाएगा वो, कॉस थीटा पॉजिटिव रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो कॉस थीटा हो गया 1/2, तो थीटा कितना हो गया बताओ 1/2 कॉस इनवर्स 1/2 पाई बाय 3, बहुत ही पाई बाय 3, हाँ पाई बाय 3, तो थीटा मिल गया पहला आंसर हो गया, इसको लिख लेते हैं लास्ट में, थीटा हो गया पाई बाय 3 एक आंसर, और ए थ्री भी पूछा है, ए थ्री बताने के बाद हमारा क्या हो जाएगा सब बन जाएगा, ए थ्री कितना है कॉस थीटा मतलब 1/2, तो अब ए वन कॉमा ए टू एंड ए थ्री इनकी वैल्यूज क्या क्या होंगी, तो 1/2 1/√2 और 1/2, ये हो गया आंसर, कर लो कॉपी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, उससे पहले मैं थोड़ा सा स्पेस बना लूं, पहले फोर्थ और फिफ्थ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है देखो फोर्थ और फिफ्थ एक साथ, ओहो ब्लैक से नहीं व्हाइट से, पहले देखो फोर्थ, फोर्थ छोटा सा है, शो दैट दिस इक्वल टू दिस, अच्छा तो LHS जो है वो क्या है A माइनस बी क्रॉस A प्लस बी, इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस निकालना है, ठीक है चलो करें मल्टीप्लाई, तो पहले क्या करो A और B को डिस्ट्रीब्यूट करो है ना, A और B को डिस्ट्रीब्यूट करो, तो a माइनस बी इसका क्रॉस बनाओ a के साथ और प्लस a माइनस बी इसका क्रॉस बनाओ b के साथ, मतलब इस ब्रैकेट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं सर ओके, तो a और a का क्रॉस a क्रॉस a माइनस बी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी और माइनस बी क्रॉस बी, देखें जरा ये क्या होगा,
बताओ कहां कहां क्या क्या दिख रहा है। ए क्रॉस ए तो जीरो हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर, साइन जीरो जीरो। हाँ साइन जीरो जीरो, वेरी गुड। बी क्रॉस बी भी जीरो। अच्छा ये देखो क्या है, ये माइनस का बी क्रॉस ए है, तो इसको अगर हम एक माइनस और लिख लें तो ये ए क्रॉस बी बन जाएगा, क्योंकि मुझे आर एच एस दिख रहा है ए क्रॉस बी, इसलिए मैं इसको ए क्रॉस बी में कन्वर्ट कर रहा हूं। और ये एक ए क्रॉस बी ऑलरेडी है, और ये वाला फिर से जीरो, तो ये बन गया ए क्रॉस बी, टू ए क्रॉस बी बन गया। तो टू तो स्केलर नंबर हो गया, और ये ए क्रॉस बी इस तरीके से आ गया इक्वल टू आर एच एस, सिंपल निकल गया क्वेश्चन। फिफ्थ में क्या बोल रहा है, फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कितना है, जीरो है। ठीक है, इसमें हमको इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। बना लो, हाँ बहुत बढ़िया, सॉल्व कर लो, बहुत ही बढ़िया। तो इसको क्या करते हैं, ए मान लेते हैं पहले वाले वेक्टर को, जिसको आ गया सॉल्व करने वो मेरे साथ साथ सॉल्व कर सकता है। वेक्टर बी हो गया आई कैप लैम्डा जे कैप प्लस म्यू के कैप, इसको म्यू बोलते हैं। ए क्रॉस बी ये कितना है, जीरो है। जीरो मतलब जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप, जीरो वेक्टर है ना, क्योंकि ए क्रॉस बी का जो मॉडुलस है वो क्या होगा। अच्छा मॉडुलस है ये, नहीं नहीं डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट है। ए क्रॉस बी कैसे निकालते, डिटरमिनेंट से ना, तो ये जीरो है मतलब ये मॉडुलस साइन नहीं है। सर ये आपने ए क्रॉस बी पे क्यों लगा दिया, तो क्या करेंगे, इसको ए मान लिया इसको बी मान लिया तो ए क्रॉस बी नहीं करेंगे। हाँ मतलब ए क्रॉस बी का डिटरमिनेंट वो होगा ना, ना डिटरमिनेंट मॉडुलस नहीं है, डिटरमिनेंट है। अच्छा अच्छा चलो कंफ्यूज हो रहे हो ना, इसको डिटरमिनेंट लिखना है तो ए क्रॉस बी निकालते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, मैंने ही गलत किया था, आई मॉडुलस डिटरमिनेंट मुझे इस साइड लगाना चाहिए, मैं ए और बी पे लगा रहा हूं। तो आई जे के 2, 6 और 27, 1 फिर लैम्डा और फिर म्यू, ये होगा। जरा इसको सॉल्व करो और इसको इक्वेट करोगे जीरो वेक्टर से, मतलब जीरो आई कैप जीरो जे कैप और जीरो के कैप, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक चलो डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। आई के साथ क्या हो गया, 6 μ - 27 λ, माइनस जे के साथ क्या हो गया, 2 μ - 27, और के साथ क्या हो गया, 2 λ - 6 इक्वल टू जीरो जीरो जीरो, जीरो आई कैप जीरो जे कैप जीरो के कैप, 6 μ - 27 ऑन इक्वेटिंग, यहां पे लिख लेते हैं ऑन इक्वेटिंग। तो जब इक्वेट किया तो 6 μ - 27 λ, ये जीरो आ गया पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन हमको ये मिली, बीच में प्लस चाहिए ना, तो प्लस करने के लिए 27 - 2 μ कर लेते हैं, 27 - 2 μ जीरो, और लास्ट वाला 2 λ - 6 इक्वल टू जीरो। तो यहां से लैम्डा मिल गया 3, और इस वाले से म्यू कितना मिला, 27/2 13.5। अब लैम्डा म्यू यहां पे रख के देख लेंगे, क्योंकि आंसर सेटिस्फाई होना चाहिए, तो ब्लैक से चेक कर लेते हैं। क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्क्स मिल जाते हैं हमको श्योर शॉट। म्यू की जगह 27/2 रखो, 27 λ की जगह 3 रखो, ये जीरो होना चाहिए, 2 से कैंसिल 3, तो 27 × 3 27 × 3, ठीक है जीरो, करेक्ट है। तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू हमको मिल गई, ये था क्वेश्चन नंबर 5। कॉपी कर लो यहां तक।
हो गया सर. ओके चलें आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ. सिंपल सिंपल है. देखो एमसीक्यू आ गया. ए डॉट बी अगर जीरो है एंड ए क्रॉस बी भी जीरो है, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बारे में क्या ख्याल है? बोलो क्या ख्याल है बोलो. सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या ख्याल है? ए डॉट बी भी जीरो है और ए क्रॉस बी भी जीरो है, क्या ख्याल है? कहो, कुछ तो कहना पड़ेगा. सर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा आ रहा है, तब ये जीरो आ रहा है कुछ, मतलब जीरो वेक्टर है क्या? नहीं नहीं मैं समझा नहीं क्या. नहीं मैं अभी खुद नहीं समझाई, मेरे को समझने दो. सोचो सोचो. अच्छा ए डॉट बी अगर जीरो है, पहले वाला ये मान लो फर्स्ट है, ये मान लो सेकंड है. ए डॉट बी अगर जीरो है सर, साइन थीटा कॉस थीटा दोनों जीरो, ऐसा पॉसिबल है? नहीं है. नहीं पर मतलब मैं कह रहा हूँ जीरो वेक्टर है. ऐसा देखो पॉसिबल नहीं है, किसी भी एंगल पे साइन थीटा कॉस थीटा दोनों जीरो नहीं हो सकते. हाँ तो जीरो वेक्टर कहने का मतलब, हाँ जीरो वेक्टर से होगा मैग्नीट्यूड की वजह से. वेरी गुड. थीटा की वजह से ये जीरो नहीं होने. दोनों वेक्टर जीरो होंगे, एक वेक्टर जीरो होगा. देखते हैं अभी, अभी मालूम चल जाएगा, अभी मालूम चल जाएगा. देखो ए डॉट बी अगर जीरो है तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो ए का मॉडुलस जीरो है, किसी वेक्टर का मॉडुलस जीरो है, मतलब वेक्टर ए जीरो वेक्टर है. लास्ट क्लास पे मैं बता रहा था उसी तरीके से वेक्टर बी का मॉडुलस जीरो हो जाए तो भी जीरो हो जाएगा, और वेक्टर बी का मॉडुलस अगर जीरो हो जाए मतलब बी हमारा जीरो वेक्टर हो गया. तो इन दोनों में से कोई भी हो जाए तो काम चल जाएगा. और करके लिख लेते हैं, या तो ए जीरो वेक्टर हो या बी जीरो वेक्टर हो, या फिर या तो ए पार्ट होगा या फिर बी पार्ट. ये हो सकता है वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, तो भी हो सकता है ना, डॉट प्रोडक्ट जीरो. यस सर. तो इस केस में हम ये कहेंगे ए एंड बी आर, अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो ए एंड बी आर नॉन जीरो वेक्टर्स. मतलब अगर परपेंडिकुलर होने वाले हैं तो, देखो मतलब दो चीजें हो रही हैं, या तो ए और बी में से कोई एक जीरो वेक्टर हो गया तो फिर डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, और अगर दोनों में से कोई भी जीरो वेक्टर नहीं है तो फिर ए और बी परपेंडिकुलर वेक्टर है, इसकी गारंटी है. यस और नो? अभी सिर्फ पहले वाले की बात हो रही है. नहीं बोल रहे हो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर. समीर आवाज आ रही? हाँ हाँ आ रही आ रही है. ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यही दो केस होंगे, ए डॉट बी अगर जीरो है तो. yes, अब देखो clear. हाँ yes, अब देखो ए क्रॉस बी अगर जीरो है तो क्या क्या होगा? अगर ए क्रॉस बी जीरो है तो ए पार्ट क्या होगा? या तो ए जीरो वेक्टर हो या फिर बी जीरो वेक्टर हो, और बी पार्ट ये होगा ए वेक्टर पैरेलल होगा बी के. यस और नो? इसमें तो साइन थीटा जीरो डिग्री yes, मतलब yes, पैरेलल होने चाहिए, या एंटी पैरेलल भी होने चाहिए, मतलब दोनों बात सेम ही है. तो अब इन दोनों में से, तो इसमें फर्स्ट वाला ही केस होगा, फर्स्ट वाला ही ए जीरो वेक्टर है या बी जीरो वेक्टर है. हाँ, क्योंकि देखो दोनों चीजें एक साथ हो रही है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वेक्टर परपेंडिकुलर भी हो और पैरेलल भी हो, ये तो हो ही नहीं सकता. मतलब ए पार्ट सही है, या तो ये वाला और ये वाला, इन्हीं को मिला के आंसर होगा. सो द कंक्लूजन इज आइदर वेक्टर ए इज जीरो वेक्टर और वेक्टर बी इज अ जीरो वेक्टर,
यही पॉसिबिलिटी है? यस सर। तो इसने क्या कहा है? हम एट्थ कर रहे हैं ना, नहीं सॉरी सॉरी, हम सिक्स्थ कर रहे हैं। ए डॉट बी जीरो, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी? तो वही कह सकते हैं, या तो वेक्टर ए का मॉडुलस जीरो हो, या फिर अगर ये जीरो नहीं हुआ तो पक्का ये जीरो तो होना ही है, ये आंसर होगा। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन कॉपी कर लो। यस। सेवेंथ क्वेश्चन जो है वो काफी बड़ा है, मैं समझा देता हूं कैसे करना है, ठीक है? ये तुम लोग घर पे कर लेना। सेवेंथ क्वेश्चन काफी बड़ा है, मतलब काफी नहीं फिर भी है, कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा है। देखो तो सेवेंथ क्वेश्चन में क्या है कि थोड़ा सा बड़ा होता है ये सेवेंथ क्वेश्चन, थोड़ा सा लंबा है, बट बहुत ही सिंपल है, तुम्हें बस डिटरमिनेंट फाइंड करना आना चाहिए। सेवेंथ क्वेश्चन में लेट द वेक्टर्स ए बी सी गिवन है। वेक्टर ए गिवन है ए वन आई कैप, ए टू जे कैप और ए थ्री के कैप। वेक्टर बी भी गिवन है, बी वन आई कैप, बी टू जे कैप और बी थ्री के कैप। वेक्टर सी भी गिवन है, सी वन आई कैप, सी टू जे कैप और सी थ्री के कैप। अब क्या करना है, देन प्रूव करो ये वाली चीज और ये वाली चीज इक्वल है। देखो तुम्हें डिटरमिनेंट फाइंड करना है बहुत बार। LHS में क्या करोगे, मैं स्टेप्स बता देता हूं, ठीक है? LHS है A क्रॉस B प्लस C। तो पहली चीज जो मैं आज पूछा था ना क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव मैंने पूछा था कि ये मीनिंगलेस है, कि इसका मीनिंग निकलेगा कि नहीं निकलेगा, वही चीज है ये। इसने लिखा है A वेक्टर का क्रॉस B प्लस C के साथ, तो B प्लस C भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। अगर हम इन दोनों को ऐड करें और B प्लस C निकालें तो B प्लस C क्या होगा, देखो B1 प्लस C1 आई कैप, B2 लाइक टर्म्स को एक साथ, B2 प्लस C2 J कैप और B3 प्लस C3 K कैप, ये होगा। तो ये हो गया B प्लस C, ये वाला वेक्टर, और ये वेक्टर है तो ऑलरेडी यहां पे है। तो पहले ये निकाल लोगे A क्रॉस B प्लस C, ये कैसे निकालोगे, मॉड डिटरमिनेंट I J और K। अब I की वैल्यू सॉरी A1 A2 और A3, और इसकी वैल्यू क्या होगी, B1 प्लस C1, B2 प्लस C2 और B3 प्लस C3। और इसमें तुम्हें क्या करना है, रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन कुछ नहीं लगाते हैं, सीधा इसको एक्सपैंड कर लेना। अगर तुम्हें कुछ लग रहा है इजी हो रहा है आई माइनस जे जे माइनस के करके, तो और कॉम्प्लिकेटेड होगा वो, इसको एक्सपैंड कर लेना सीधा, कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा। ओके, एक्सपैंड कर लेना, फर्स्ट इक्वेशन बना लेना, ठीक है? बोलो। यस सर। थोड़ा मल्टीप्लीकेशन होगा अच्छे लेवल का, तो इसको एक्सपैंड कर लेना। अब आरएचएस पे चले जाना। आरएचएस में तुम्हें क्या क्या दिया है, तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। तो पहले निकालोगे ए क्रॉस बी, वो कैसे निकलेगा, आई जे के ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री, ये तुम्हारा निकल जाएगा इस तरीके से। फिर निकालोगे क्या, ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी, तो ये कैसे निकलेगा, आई जे के ए वन ए टू ए थ्री सी वन सी टू सी थ्री, तो ये भी कैलकुलेट हो जाएगा। अब क्या करना, इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री को कर लेना ऐड। तो टू प्लस थ्री कर लेना, ये तुम्हारा आरएचएस रेडी हो जाएगा। इसको मान लेना फोर्थ इक्वेशन। अब वन एंड फोर कंपेयर करना, दोनों इक्वल प्रूफ करने। नाउ प्रूफ वन इक्वल टू फोर, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज? यस। अभी एक